सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के पांडू प्रखंड में महादलितों के साथ हुए अन्याय की जानकारी लेने पहुंचे समाज सेवी एनबी सिंह बता दें कि बीते दिनों पांडू प्रखंड के मुरुमातु गांव में महादलितों के घरों पर मुसलमान समुदाय द्वारा जेसीबी चलाकर आशियाना उजाड़ दिया गया, जिसके बाद जबरन बच्चों को ट्रैक्टर से पास के जंगल में छोड़ दिया गया। महादलितों के साथ हुए अन्याय के बाद प्रशासन द्वारा पांडू के पुराने थाने में रखा गया है, जहाँ पहुंचे समाज सेवी एनबी सिंह जरूरत की सामग्री उपलब्ध भी कराई। एमबी सिंह ने हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, इसी कड़ी में आज फिर महादलितों के बीच राशन और कपड़ा मुहैया कराया और सरकार से इन्हें राशन देकर घर दिलाने की मांग की। मौके पर एनबी सिंह ने कहा कि पांडू में महादलितों के साथ काफी अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महादलित परिवार को सरकार हर संभव मदद करे। सरकार से हम मांग करते हैं कि पांडू में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में जिस प्रकार महादलित परिवार रहते हैं उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराएं। हम अपने स्तर से हर जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, महादलित परिवार को जहां तक होगा मदद करते रहेंगे। तो आप लोग भी गए थे? आप लोग लेडीज थे तो लेडीज के साथ गंदा वंदा काम भी कुछ करने का प्रयास किया था? कौन 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 किसके किसके साथ किया था गंदा काम? हम सबके, मैंने लेडीज लोग के साथ, मैंने कहीं मारपीट रहा था सर, मारपीट पर ये मेरा दादा। अच्छा, मार के चलते गाड़ी में डूबल के भाग गया। मैंने गंदा काम नहीं ना किया है आप लोग के साथ? ठीक ठीक। सरकारी प्रशासनों के द्वारा अभी मच्छरदानी का वितरण मच्छरों का प्रकोप देख करके हुआ है, और साथ साथ यहाँ बहुत सारे लोग जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा खाद्यान्न का भी वितरण हुआ है, जिसमें रुके ना भैया, जिसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत सारा रहेगा। आगे कैसा सहयोग आप लोग करेंगे, प्रशासनिक मदद किस तरह से करेंगे इन लोगों को? हम लोग को सहयोग कर रहे, जैसे शुरू से अभी तक जो भी सहयोग किए खाने पीने से रहने तक का, आप भविष्य में भी कोई दिक्कत होगा हम लोग उसमें पूरा पूर्ति करने के लिए। क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई? सुरक्षा यहाँ एकदम आदेश पत्र दे करके यहाँ सुरक्षा बल हम सुरक्षा दिए हैं। उस दिन क्या घटना क्या हुआ था उस दिन, कैसे पता चला आप लोगों को? समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन नहीं कैसे पता चला, सूचना के सूचना मिला फोन के द्वारा, और हम लोग तुरंत जा करके जहाँ इनको भेजा गया था वहाँ से भी हम अपने तीन को ट्रैक्टर मुसहर लोग बताए कि प्रशासन लोग हमारे लिए एकदम कटिबद्ध थे और तत्पर तैयार थे, तो और तैयार हैं अभी भी, वही लोग तीन ट्रैक्टर करके हमें अपने से ही यहाँ पर थाना पर लाए हैं, सुरक्षित रखा गया है और सुरक्षा भी दिए हुए। ठीक। सर, अभी आपके द्वारा, यानी एक तरह से कहा जाता है प्रशासनिक के द्वारा, सभी मुसहरों की सेवा के अवसर पे कुछ छोटे खाद्यान्न और मच्छरदानी के वितरण, मतलब मच्छरों का प्रकोप देख करके किया जा रहा है, क्या कहेंगे आखिर, और किन किन सुविधाओं से इनको लैस करना चाहिए? अभी जो हमारे यहाँ विस्थापित मुसहर परिवार हैं, इनकी सुख सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए, अगर शुरू से हम बात करें तो शुरू से इनको खाद्यान्न का वितरण, कपड़ों का वितरण, सरकारी सहायता ये किया ही गया है। इसके साथ साथ इनके आधार कार्ड बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है, ताकि इन्हें सरकारी सुविधा से लैस किया जा सके, इन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा सके। आज जैसा कि आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरों का प्रकोप देखते हुए मच्छरदानी का वितरण किया गया, और कुछ समाजसेवी एनबी सिंह जैसे एनबी सिंह जैसे लोग हैं, इनके द्वारा भी खाद्यान्न का वितरण किया गया। हाँ, हालांकि सरकारी सहायता इन्हें दी जा रही है, बट फिर भी अगर समाजसेवी क्षेत्र में आगे आएंगे तो उनका ज़्यादा अच्छे से हेल्प किया जा सकता है उससे परिवार। कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि राजनीतिक रंग से कहीं थोड़ा सा भी लेस मात्र भी इसका अंश नहीं है। देखिए, हमारा काम है प्रशासनिक इन्हें सहायता पहुँचाना, हमारा काम इनकी सहायता करना, हमारा काम है इन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना, और यही हम लोग कर रहे हैं। राजनीति से हमारा उसका लेना देना है नहीं, और इस बारे में शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। थैंक